गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप सभी, आपकी एक क्लास शुरू हो चुकी है कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ। आपके ये सभी राज्य के सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और हम इस समय पढ़ रहे हैं जो चैप्टर का नाम है, दो चर राशि में रैखिक समीकरण। तो साथियों, आज ये इसका तीसरा क्लास है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक ना। मतलब ये चर राशियों का जो समीकरण वाला पार्ट है 3.1 से लेकर के 3.2 तक, अभी तक आपकी तीसरी क्लास है, ठीक। क्वेश्चन देखना, बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जो समझना है, वो है समांतर और संपाती रेखाएं। ये समांतर रेखाएं कब होती हैं और किस स्थिति में रेखाएं समांतर के अलावा संपाती होती हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, तब सवाल समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन मिटा देंगे, ठीक ना। नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएँ एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वो समांतर हैं अथवा संपाती हैं। देखिए, अभी वो समीकरण नहीं दिखाए गए हैं, मैं आपको समीकरण दिखाऊँगा, लेकिन पहले हम आपको संपाती का और समांतर का प्रतिबंध और शर्तें बता देता हूँ, ध्यान देना। साथियों, यहाँ पर तीन शर्तें होंगी, जिनमें से दो आप देख लो, एक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। या तो रेखाएँ प्रतिच्छेदित करेंगी, या समांतर होंगी, या फिर संपाती होंगी, तीनों में से कोई एक जरूर होंगी दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएँ। अब ध्यान देना, समांतर कब होंगी, संपाती कब होंगी और कब प्रतिच्छेदित करेंगी, तीनों कंडीशन देख लेना। अभी ये चीज़ आपको मिलेगा क्वेश्चन, जब दोनों इक्वेशन लिखूंगा तो ये मिलेगा आपको, आपको अनुमान लगाना रहेगा। देखो, याद रखना, रेखाएं प्रतिच्छेदित तभी करेंगी जब A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब एक दूसरे को काट देंगी अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे A1/A2 का मान अगर 2/3 आ गया है तो B1/B2 का मान जैसे 1/7 आ जाए, मतलब इसके बराबर ना हो, कुछ ऐसा कंडीशन बननी चाहिए। अभी देखना आगे सारा खेल होगा। दूसरा, रेखाएं संपाती कब होंगी। साथियों, रेखाएं संपाती तब होंगी जब दोनों समीकरण से प्राप्त जो इक्वेशन बनेगा वो A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2 तीनों बराबर होंगे। जैसे तीनों मान लो 1/2 आ गए तो ये तीनों 1/2 आने चाहिए, ये तो ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होंगी। एक बचता है कि रेखाएं समांतर कब होंगी। तो साथियों, रेखाएं समांतर तब होंगी जब A1/A2 क्या A1/A2 इक्वल B1/B2 तो हो जाए, लेकिन इसमें देखो ये तीसरा वाला कंडीशन है, ये C1/C2 के बराबर ना आए, यानी कि ये चीज़ बराबर ना हो, तब रेखाएं क्या होंगी, तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, ये तीसरा भी हो गया, ये क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक ना। लिख लो फटाफट, लिख लो तुरंत, लिख लो लिख लो। देखो मतलब समझना, A1/A2 जो है वो तो बराबर हो, लेकिन ये जो दूसरा वाला एक और था यार, कहाँ गए वो, एक मिनट, हाँ, C1/C2 ये बराबर नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में वो क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। एग्जाम्पल देख लो, अभी क्वेश्चन करने पे सब आ जाएगा। ये A1/A2 इक्वल B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल C1/C2। देखो इसको ऐसे समझो कि A1/A2 का मान 3/2 आया है तो B1/B2 का मान भी 3/2 आए, लेकिन जो C1/C2 है इसका मान 1/5 आ जाए, मतलब इन दोनों के बराबर ना आए, बस यही थी तीनों कंडीशन। चलिए देखते हैं पूरा तमाशा क्या होता है आगे क्वेश्चन में। अब जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तुरंत, अगर ना लिख पाते हो तो वीडियो को पीछे करके लिखिए, रोक करके लिखिए वीडियो को, लेकिन लिखिए फटाफट, नोट्स बनाइए। देखिए मित्रों, दो इक्वेशन आपके बुक में दिए होंगे, पहला 5x+4y+8=0, दूसरा इक्वेशन दिया होगा 7x+6y-9=0, दिया है ना, बुक खोल के देख लो। अब देखना क्या करना है, पूरी कहानी आप समझ चुके हो कि कब रेखाएं समांतर होंगी, कब संपाती होंगी, लेकिन मुसीबत हमारे पास है कि हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 मिलेगा कैसे। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मिलेगा। पहले दिए गए समीकरण की आप लिख लो, एक लाइन लिखो जल्दी से,
दिए गए समीकरण की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। दिए गए समीकरण की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, ये इसका मानक समीकरण होता है इस रूप का, ठीक ना। अब देखना, जब इसकी तुलना करोगे जरा ध्यान दो, तो यहाँ पर यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें 5 है, इसमें a1 है ना, यानी कि a1 का मान क्या है, 5 है। ध्यान देना, इसमें y है, इसमें भी y है, लेकिन इसमें b1 है, इसमें 4 है, यानी कहने का मतलब कि b1 का मान कितना है, 4 है, इसमें c1 है, इसमें 8 है, कुछ नहीं है, तो c1 क्या है, 8 है। देखो, a1 मिल गया, b1 मिल गया, c1 मिल गया। दूसरे समीकरण में भी यही लिखोगे, क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर लो, a2 क्या आएगा, देखो 7 आएगा, b2 क्या आएगा, 6 आएगा, c2 क्या आएगा, 9 आएगा। मिल गया सब कुछ ना, अब मान निकाल लो यार। यही तो कह रहा था ना कि देखना था इसको क्या करना है, ये समांतर हैं कि समपाती हैं। तो चलो हम सभी को निकाल लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकाल लेते हैं, जो आएगा आपके सामने आएगा। चलिए ध्यान देना, ये आप लिख लो इतना, ये इतना एक स्टेप हो गया, चाहे इसको नीचे ऊपर लिख लेना, उसको इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे, ठीक। फिर आगे लिखना, नेक्स्ट स्टेप देखना, इतना कर लो, पहले इसको पूरा लिख लेना, फिर उसको उतार लेना, और उसके बाद नीचे जो लिख रहा हूँ उसको लिखना। अब लिखोगे, अतः a1 का मान क्या है, अरे कुछ तो बोलो यार, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, मैंने लिख दिया, चीटिंग तो कर सकते हो ना, क्या है, a1 का मान 5 है, मुंह बना के बैठे हो, बोल नहीं रहे हो। a2 का मान क्या है, उधर से देखो, a2 मतलब 7, ये हो गया। चलो ठीक है, b1/b2 निकाल लो, b1 का मान क्या है, लाल टोपी वाले आप ही बोल दो थोड़ा सा, क्यों शर्मा रहे हो, b1 का मान है 4, b2 का मान क्या है, उधर से देख लो, 6। इसको सरल कर लो चाहे तो, अभी कोई मुसीबत नहीं है, 2 2 4, 2 3 6। c1/c2 निकाल लो, c1 का मान क्या है, इसे देख लो इधर से, 8। c2 का मान क्या है, 9। देखो सब मिल गया ना यार, सब मिल गया ना। अब हम चेक करेंगे कि रेखाएं समांतर हैं कि समपाती हैं, इतना उतार लो पहले। और हाँ, ये जो मैं ऐसे ऐसे निकाल रहा हूँ ना, आप चाहो तो इसको नीचे ऊपर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं जो गलत काट देगा, ठीक ना, ऐसे भी लिख देना, कुछ भी गड़बड़ नहीं। जैसे मैंने लिखा है कॉपी में भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप कॉपी में बीच में इतना स्पेस मत छोड़ना, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है ये 8x4 का है, आपकी कॉपी छोटी सी होगी, तो इसको बगल बगल मत लिखना, आप नीचे ऊपर लिखोगे तभी मज़ा आएगा, इसको बगल बगल लिखोगे जगह नहीं बचेगी, ठीक ना। चलिए लिख लो, अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखना कैसे है। अब लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, और इसमें मित्रों एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बुक से मैंने मतलब नहीं कंफर्म किया, वो क्या है, ध्यान देना। देखो, ये 5x + 4y + 8 था ना, यही था जो भी है। हाँ, एक मिनट देखना, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें चिन्ह का थोड़ा सा इश्यू है, देखना कोई गलती नहीं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन लिखोगे तरीका वही रहेगा। तो साथियों, इसमें बुक में माइनस दिया है, ये -4y दिया है, तो आपके में अंतर क्या होगा, ये 4 जो है माइनस में आएगा, कहने का मतलब ये माइनस में आएगा, आप ऐसे थोड़ा सा चिन्ह लगा लेना, नहीं लगाना तब भी कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम में ऐसा ना करना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन माइनस लगा के आएगा तो आपका उत्तर जो है माइनस में आएगा। हाँ, जैसे मैंने बता दिया, अगर वैसे पेपर में आ गया तो ऐसे लगा देना, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो चिन्ह इसके पहले जो होता है ना, उतारते समय वो चिन्ह के साथ लिखा जाता है, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल। और इसमें क्या है, थोड़ा सा इशू ये है कि देखो, ये c1 जो c2 का मान है ना, 9, उसके पहले माइनस है ना, तो c2 भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। साथियों ये चीज़ ध्यान देना, मैंने नहीं ध्यान दिया उसके लिए सॉरी, लेकिन ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है ना, मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के चक्कर में जल्दी कर दिया, तो बस ये ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा आंसर में बदलाव हो जाएगा,
जहाँ पर ये मान आया था B1 वाला, ये माइनस में हो जाएगा, कहने का मतलब ये -2/3 आएगा। ठीक, जहाँ पर C2 का मान आया था ये भी माइनस में हो जाएगा, ये -9/8 आएगा। अब नीचे लिखना, लिखो अतः अतः A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2। इसलिए रेखाएं परस्पर क्या करेंगी, पहला वाला कंडीशन सही है ना, प्रतिच्छेदित करेंगी, यही तो था। क्या करेंगी, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी। बात समझ में आई ना? क्यों नहीं बराबर हैं? क्योंकि देखो यार, A1/A2 जो आया है 5/7, अब मैं समझा रहा हूँ, अब कुछ ना करना, वो B1/B2 के बिल्कुल बराबर तो नहीं आया ना, दोनों में बहुत अंतर है। और ये जो C1/C2 का मान आया है वो भी किसी से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इन सभी में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, किसी तरह बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। चलिए दूसरा इक्वेशन लिखना, बहुत फास्ट करना, फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलो, बहुत कम टाइम बचा है, और जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही कर लेना ना, पास होने से कोई रोक नहीं सकेगा, और जो पहले पढ़ाया गया उसको भी देख लेना, पहले बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब आप दूसरा इक्वेशन लिखोगे, जो कि आपके ये दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट है, तो इसमें आप पूरी प्रक्रिया करोगे जो मैंने अभी पहले में बताया था, तो आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो मान आएगा वो तीनों का 1/2 आएगा, यानी कि तीनों रेखाएं क्या होंगी, और ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती होती हैं। इसके बाद जो इसमें का तीसरा इक्वेशन है उसको भी सुन लो आप सभी ध्यान से। तीसरा इक्वेशन है 2x-y+9=0 और 6x-3y+10=0, ये तीसरा है ना। इसका जब आप करोगे तो क्या होगा पता है, तीसरे वाले का जब आप करोगे तो A1, ध्यान देना तीसरा के लिए, तीसरा में A1 A2 = B1 B2 तो आएगा, निकाल के देखना, अभी मैं बता देता हूँ कितना आएगा, लेकिन C1 C2 ये क्या होगा, इन सब के बराबर नहीं होगा। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में हमने अभी कंडीशन बताया था तीसरी वाली, कि जब ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक ना? तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, थैंक यू। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी से जल्दी हम आपका पूरा कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें रट डालें, याद कर लें, अच्छे से समझ लें, और फिर देखते रहें PVR स्टडी, कहीं से भी और कभी भी।